नंबर से अधिकारियों के तबादलों पर रोक, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान के चलते रोक लगाई गई, 5 जनवरी तक नहीं होंगे ट्रांसफर। दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। आगरा में जनसभा पद यात्रा निकालेगी आरएलजी, सरकार को घेरने की होगी कोशिश, महंगाई बेरोजगारी होगा मुद्दा। औरैया में बस चालक ने की मारपीट, यात्रियों से बस चालान चालक ने की अभद्रता, पीड़ित परिवार ने मामले में लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के साथ ही प्रदेश में अधिकारियों के तबादलों पर भी रोक लगाई जाएगी और आयोग की पूर्व अनुमति के बगैर जिलाधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि ये रोक 5 जनवरी 2022 तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी और ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से शुरू होगा और इसी के साथ ही डीएम से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और बूथ लेवल ऑफिसर्स के तबादलों पर भी रोक भी प्रभावी हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह सवेरे हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों का मन सुहाना कर दिया है। आपको बता दें, करावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, सलीमपुर और शादरा, विवेक विहार, लाल किला और प्रीत विहार सहित दिल्ली के अलग अलग जगहों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग के पुनः अनुमान के मुताबिक कल भी राजधानी में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने के साथ मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान में भी कमी आने की संभावना है, जिससे हल्की ठंड भी महसूस होगी। साथ ही आपको बता दें, रविवार से यानी कि आज से न्यूनतम तापमान में कमी से रातों में सर्दी होनी शुरू हो जाएगी और शनिवार की को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 35.5 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 38 से 91% दर्ज किया गया। ऐसे में दिन भर धूप खिली रही और हल्की गर्मी भी महसूस की गई, लेकिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद वातावरण में हल्की ठंडक भी महसूस हुई। तो आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी बारिश हुई है, जिससे तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है और ऐसे में आज और कल भी बारिश होने का अनुमान है, जिससे तापमान में और गिरावट होगी और हल्की ठंड भी महसूस अब होने लगेगी। आगरा में वीकेंड पर ताजमहल के दीदार के लिए हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटकों को देखकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी खुशी है। खबरों की माने तो यहां आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा पर्यटक दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान के हैं। वहीं इसके चलते अब पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होने का भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आगरा में ताजमहल की, जहाँ पर कोविड गाइडलाइंस जब धीरे धीरे ख़त्म हो गई तो लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले 1-1.5 साल से ऐसे तमाम इमारतें थीं जो बंद हो गई थी कोरोना के समय में, जिसके बाद अब उन्हें फिर से खोला गया तो भारी संख्या में लोग घूमने फिरने के लिए वहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आगरा में आरएलजी के मुखिया जयंत चौधरी आशीर्वाद पथ सभा के माध्यम से जनता का समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को फतेहपुर सीकरी में आरएलजी की आशीर्वाद पथ जनसभा निकाली जाएगी। वहीं ये यात्रा कई जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी।
तो आपको बता दें कि जनसभा पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आरएलडी ये जनसभा पदयात्रा निकालने जा रही है जिसमें अब आने वाले चुनाव को देखते हुए जनता से अपना समर्थन तो मांगा ही जाएगा, लेकिन सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर घेरने की भी कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि आगरा में आरएलडी की पदयात्रा, जनसभा पदयात्रा निकाली जाएगी आरएलडी की तरफ से, साथ ही ऐसे में अपना समर्थन तो जनता से आरएलडी मांगेगी ही कि उन्हें समर्थन करे और आने वाले चुनाव में उन्हें जीत दिलाए, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। आपको बता दें कि बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दे हैं जिन पर आरएलडी सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी। जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अब पूरी ताकत लगा रही हैं और ऐसे में एक तरफ तो जनता से अपना समर्थन मांग रही हैं अपने लिए और जनता से को से वोट देने की अपील कर रही हैं, लेकिन उन सब के बीच सरकार को घेरने की भी हर पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। जो विशेष रूप से हमारी जो आशीर्वाद पथ यात्रा जो कि हमारी 7 अक्टूबर से नूरपुर जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है वहाँ से शुरू की है हमारे आदरणीय जैन चौधरी जी ने, उस यात्रा को लगातार निरंतर जन समर्थन मिल रहा है और 30 तारीख को बड़ौत में उसका समापन होगा। हमारे बीच में वो 18 तारीख को यहाँ फतेहपुर सीकरी किरावली में भी उस रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो रस्म पगड़ी के बाद जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो जनता के बीच में सर्व समाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो पधार रहे हैं 18 तारीख को। इसके अलावा एक विशेष रूप से जो घोषणाएं उनकी हैं, जो लोक संकल्प जो समिति है, हमारा लोक संकल्प 2022 का जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो प्रत्येक एक घोषणा उन्होंने 2022 का लक्ष्य रखा है, यानी 22 का संकल्प और 22 ही घोषणाएँ हैं जो प्रत्येक रैली में वो एक एक घोषणा को करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिसकर्मियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारे दलित समुदाय के लिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, बाबा अंबेडकर जी की जयंती पर, काशीराम जी की निर्वाण तिथि पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को घोषित किया है। अलीगढ़ में लगातार बुखार और डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि संसाधनों के अभाव से जूझ रहे पीड़ित पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में सीमित संसाधनों से ही बेहतर इलाज की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस ना हो सके। आपको बता दें कि 100 बेडों से शुरू हुआ अलीगढ़ का पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में अब बेडों की संख्या तो 300 कर दी गई है, लेकिन अस्पताल में अभी भी मानव संसाधनों का अभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी इसके स्वास्थ्य विभाग सीमित संसाधनों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुपम भास्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ का दीनदयाल अस्पताल में 100 बेडों का अनुबंध था, इसके भी बाद में उसी हिसाब से मानव संसाधन आया, फिर बाद में इसको अपग्रेड करके 300 बेडों का अस्पताल घोषित कर दिया गया है। तो अलीगढ़ का यह पूरा मामला है जहां पर बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है सीमित संसाधनों में। लगातार आपको बता दें कि डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि पहले इस अस्पताल में 100 बेडों की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में 300 बेड की व्यवस्था इस अस्पताल में कर दी, लेकिन अब भी मानव संसाधनों की कमी है। उन सब के बावजूद भी इस अस्पताल में लोगों को बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि जो डेंगू और का बुखार का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है उससे लोगों को आराम मिले और लोगों को जल्द से जल्द कम समय में उनका इलाज किया जा सके। औरैया में रोडवेज बस चालक और परिचालक ने यात्रियों के साथ मारपीट की, वहीं इस दौरान परिजनों को बचाने गई युवती के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार मामले की शिकायत करने के लिए कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने
पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो औरैया का पूरा मामला है, जहां पर यात्रियों से भरी बस में बस चालक और परिचालक ने मारपीट की यात्रियों के साथ, और बीच बचाव करने के लिए जब युवती वहां पर पहुंची तो युवती के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने में पहुंचा, कोतवाली पहुंचा और पुलिस से अब न्याय की गुहार लगा रहा है। तो औरैया का ये पूरा मामला है, जहां पर रोडवेज बस चालक ने मारपीट की है, यात्रियों से बदतमीजी की, और ऐसे में बीच बचाव करने के लिए जब वहां पर युवती पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। आपको बता दें कि ये मारपीट क्यों की गई और किस वजह से हुआ, ये पूरा मामला अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यात्रियों से अभद्रता करने का आरोप परिचालक और चालक पर लगा है, जिसके बाद बीच बचाव करने गई युवती को भी के साथ भी मारपीट की गई। ऐसे में अब परिवार कोतवाली पहुंचा है और पुलिस से अब न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला होम्योपैथी डॉक्टर की मौत हो गई है, वहीं उसका पति भी घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला कार का स्ट्रिंग फेल होने से हुआ है, वहीं इस स्टेयरिंग फेल होने से महिला की कार डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दें कि कार से ये दंपत्ति अपने नए फ्लैट में गृह प्रवेश के लिए साफ सफाई करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपत्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहाँ पर कार का स्टेयरिंग फेल होने से पूरा का पूरा हादसा हुआ है, कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार में सवार महिला डॉक्टर की मौत हो गई है, और उसके पति की आपको बता दें कि गृह प्रवेश के लिए दोनों साफ सफाई करने के लिए फ्लैट पर जा रहे थे, जिस दौरान रास्ते में ही उनके कार का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे डिवाइडर से कार टकरा गई। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, क्या कुछ अपडेट है? भूपेश, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, शायद भूपेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर गाड़ी का स्टीयरिंग फेल होने से पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कार सवार ये दंपत्ति अपने नए फ्लैट में गृह प्रवेश के लिए साफ सफाई करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कार का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे डॉक्टर की महिला की मौत हो गई, और ऐसे में बता दें आपको कि गृह प्रवेश के लिए अपने नए घर में जा रहे थे, उससे पहले ही ये हादसा हो गया है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां थाना बीटा 2 में ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है, कार सवार महिला डॉक्टर के इस हादसे में जान चली गई है। चलिए, हमारे संवाददाता भूपेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी। भूपेश, क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये जो महिला है, महिला होम्योपैथी की डॉक्टर थी, और ये अपने जो पति हैं इंजीनियर, उनके साथ इन्होंने एक फ्लैट लिया था, उसकी सफाई के लिए गई हुई थी। जी। जब ये ग्रेटर नोएडा के बीटा थाना क्षेत्र पहुंची तो गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो अचानक फेल हो गया और गाड़ी उसके बाद जाकर डिवाइडर से टकरा गई, और उस दौरान उन्होंने पुलिस को भी कॉल करी, लेकिन उन्होंने बताया कि 112 पर अगर वो कॉल कर रहे थे तो वो काफी देर तक नंबर नहीं मिल पाया, बाद में पुलिस को लोकेशन भी काफी देर मिली, और आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से जो महिला डॉक्टर उनका पता ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बिल्कुल भूपेश, और पति भी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी हालत कैसी है?
देखिए पति को हल्की चोट आई थी क्योंकि जब स्टेयरिंग पोल फेल हुआ था तो डिवाइडर के साइड जाकर, क्योंकि वो बराबर वाली सीट पे बैठी हुई थी, तो वही जो सामने से गाड़ी हिट हुई थी तो उसी तरफ से हिट हुई थी, जो पत्नी को ज्यादा चोट आई थी। लेकिन पति को जो है मामूली चोट आई थी इसमें। हालांकि अब पुलिस ने उनके शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है कि एक 4 वर्ष का बच्चा है और जिन्होंने नया घर लिया था उसकी त्योहारों की वजह से साफ सफाई करने आए थे और दिवाली पर गृह प्रवेश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये एक बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल, यानी कि परिवार में खुशियां तो आने वाली थी लेकिन उससे पहले ही ये पूरा हादसा हो गया जिससे महिला की ही जान चली गई। चलिए भूपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर महिला डॉक्टर की सड़क हादसे में जान चली गई है। आपको बता दें गृह प्रवेश के लिए दोनों जा रहे थे, इस दौरान स्टेयरिंग फेल होने की वजह से महिला की डिवाइडर से टकरा कर गाड़ी में ही मौत हो गई है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने आशीर्वाद पद के नाम से जन रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और किसानों के लिए बेहतर काम करेंगे। साथ ही किसानों की आय दुगनी होगी जो कि वर्तमान सरकार आज तक नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को 12,000 रुपये सालाना देंगे। हरदोई के जिला अस्पताल परिसर के पास सड़क के किनारे मौजूद एक दुकानदार अचानक टीबी विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों पर हमलावर हो गया। साथ ही जैसे ही अन्य कर्मचारी डॉक्टरों ने बाहर निकलकर उसे समझाने की कोशिश की तो दुकानदार ने उन पर ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कई डॉक्टर कर्मी घायल हो गए हैं। जिसके बाद डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ADM और ASP को ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो हरदोई का पूरा मामला है जहाँ पर कई डॉक्टर घायल हो गए हैं। बता दें आपको, दुकानदार ने डॉक्टरों पर हमला किया है और ऐसे में कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हमले में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ADM और ASP को ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मथुरा की एक सरकारी सोसाइटी पर खाद लेने गए किसान आपस में ही भिड़ गए और ये झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि इसमें 2 लोगों को काफ़ी चोटें भी आ गईं। आपको बता दें जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, और बताया जा रहा है कि असल में ये मामला खाद की चल रही किल्लत को लेकर पनपा था जिसकी वजह से ये मारपीट हुई है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, वीडियो देख सकते हैं किस तरह से ये किसान आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, दोनों में पक्षों में किस तरह से मारपीट हो रही है। हालांकि वहां पर किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और जो अब ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि खाद वितरण के दौरान ये किसानों के बीच मारपीट हुई है और आपसी झड़प में इस पूरी उसमें 2 किसान घायल भी बताए जा रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, ये किसानों के बीच में मारपीट हुई है, कई किसान घायल भी बताए जा रहे हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूं, ये गोवर्धन क्षेत्र के जो जहां पर DAP मिलता है वहां का मामला है। और ये जो सरकारी जो गोदाम है DAP का, क्योंकि इस समय UP में और उसके साथ साथ मथुरा में DAP की इतनी किल्लत है जिसको लेकर के यहाँ पे मारामारी हुई, और जिसको जो कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसान जो DAP के एक एक कट्टे के लिए, एक एक बोरे के लिए मारामारी कर रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी किल्लत है, और उसी का ये नतीजा है कि कई लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं।
जिस तरह से सरकार दावे करती है कि हमने पूरे किसानों के लिए डीएपी खाद की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन वो जमीनी हकीकत क्या है ये आप तस्वीरों को साफ देख सकते हैं जी। कि किसान जो है एक एक कट्टे डीएपी के लिए मारामारी कर रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। और आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और उसमें घायल हो रहे हैं। बिल्कुल सुरेश, ये पूरा मामला जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि लगातार ये किल्लत जो है खाद की किल्लत की वजह से पूरा मामला हुआ था, तो क्या पीछे से ही खाद की सप्लाई नहीं हो पा रही है? जिस तरह से जो किसान है उनका साफ आरोप है कि जो 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 गोदाम है डीएपी के गोदाम है जो सरकारी, वहां से काला बाजारी की जा रही है और जो ब्लैक में जो जो ज्यादा पैसे देते हैं उनको पहले मुहैया करा दिया जाता है, और जो किसान जो जेन्युइन किसान है या जिसको कम जो ब्लैक में काला बाजारी करके नहीं खरीद पाते उन लोगों के साथ ऐसी समस्या खड़ी होती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के जो अधिकारी है जो गोदाम के, वो साफ कह रहे हैं कि ऊपर से ही जो है किल्लत देखने को मिल रही है, ऊपर से ही सरकार की तरफ से जो है डीएपी खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है उसी के। बिल्कुल सुरेश, जो काला बाजारी की बात आप कह रहे हैं इस पर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन तो सिर्फ जांच की बात करता है, आप जानते हैं, क्योंकि प्रशासन जांच करता है और जांच के साथ साथ जिसमें जांच होती है उसमें कुछ नहीं होता जी। क्योंकि सारे अधिकारी जिस तरह से वहाँ गोदाम के जो सचिव है उनका साफ कहना है कि ऊपर से सरकार की तरफ से डीएपी नहीं आ रहा, वहीं से तो हम कहां से दें। तो अगर लेकिन जिस तरह से जो जो किसान है वो किसान कह रहे हैं कि साहब एक एक आधार कार्ड पे कई कई बोरे दिए जा रहे हैं कई लोगों को, और यहाँ कई कई दिन से किसान परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, सुबह से भूखे प्यासे आते हैं, शाम तक यहाँ धक्के खाते हैं, उसके बावजूद भी एक बोरा किसान, क्योंकि इस समय जो किसान की फसल की बुवाई का समय है तो उनको ज्यादा से ज्यादा इस समय डीएपी खाद की जरूरत होती है जी, डीएपी और यूरिया। लेकिन यहाँ पर जब डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिलता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, किसान एक दूसरे के ऊपर मारामारी को कर जाते हैं और एक एक कट्टे डीएपी के लिए ऐसे हमले होने आम दिख रहा है। बिल्कुल सुरेश, और जिस तरह से ये खाद की किल्लत को लेकर मारपीट हुई है, क्या प्रशासन ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है अभी तक? जिला प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है अभी तक, ना तो कोई ऑफिसर बर्डन इस पे कोई आया है, ना ही कोई और इस पर। जिस तरह सिर्फ सचिव का जो एक बयान मीडिया के सामने आया है जी। उन्होंने यही कहा है कि जब ऊपर से खाद हमारे पास नहीं आ रहा तो हम कहां से दें, और चूंकि किसान ऐसे हैं उनको इंतजार करना भारी पड़ता है और उसी को लेकर के वह लोग जरा जरा सी बात पे या आपस में झगड़ालू हो जाते हैं और झगड़ा होता है और उसकी ऐसी तस्वीरें सामने आती है। लेकिन प्रशासन को, जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए, और जब जिस तरह की आज किसानों की अगर मान लीजिए बुवाई के समय उनको डीएपी खाद नहीं मिल पाएगा तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी जी। और किसान क्या पैदा कर पाएगा, तो ऐसे में डीएपी की जो किल्लत है उस पर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए और डीएपी की पूर्ति करनी चाहिए ताकि ऐसी तस्वीरें फिर दोबारा के सामने ना आए। बिल्कुल सुरेश, यानी कि जनता को और किसानों को अपने उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर खाद की किल्लत को लेकर ये किसानों के बीच में विवाद हो गया, किसान आपस में ही एक दूसरे को पीटते नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं किस तरह से किसान एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।